अरमान पहाड़ियों में बसे एक सुंदर छोटे से गांव में रहता था। वो एक राइटर था। अरमान अपने घर से दूर पर एक बेहद पुराने बरगद के पेड़ के नीचे घंटों बैठ के लिखता रहता। एक दिन हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। अरमान उसी पेड़ के नीचे आंखें बंद किए हुए बैठा था कि तभी उसके कानों में चूड़ियों की खनकने की आवाज टकराई। अरमान तुरंत चौंक कर उठ कर बैठ गया। तभी उसके कानों में किसी लड़की की सुरीली हंसी की आवाज टकराई। आवाज बरगद के पेड़ के पीछे से आई थी। अरमान उस घने पेड़ के पीछे चला गया, मगर वहां कोहरे के अलावा उसे कुछ भी नजर नहीं आया। तभी उसके कानों में फिर से उसी लड़की की जोर से हंसने की आवाज टकराई। अरमान उस आवाज के जादू में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और वो बहुत दूर तक चला गया। अचानक उसके कदम एक पेड़ के पास जाकर रुक गए। उस पेड़ के पास एक सुंदर लड़की उसी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें नहीं पता कि इस जंगल में इंसान नहीं आते? उस लड़की की बात सुनकर अरमान जैसे सपने से बाहर आ गया हो। अब तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुम इंसान नहीं हो। मेरा नाम लाइबा है, मैं यहीं पास के गाँव में रहती हूँ। हेलो, मेरा नाम अरमान है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम उस बरगद के पेड़ के नीचे घंटों बैठकर क्या करते हो? मैं एक राइटर हूँ, वहाँ बैठकर मुझे लिखना पसंद है। वैसे तुम्हारा गांव कहाँ है? यहाँ तो मुझे धुंध भरे जंगल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ से थोड़ी दूर जाकर ये धुंध खत्म हो जाती है और वहीं से मेरे गाँव की सीमा शुरू हो जाती है। अच्छा, अब तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे उसी बरगद के पेड़ के पास मिलने आऊंगी। इतना कहकर वो तेजी से चलती हुई अरमान की आंखों के सामने से ओझल हो गई। अरमान कई दिन तक लाइबा का इंतजार करता रहा, मगर वो नहीं आई। और एक दिन अचानक लाइबा की आवाज उसके कानों में टकराई। इतने दिन से तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? तुम कब आई? तुम्हारे कदमों की आहट मुझे सुनाई ही नहीं दी। मेरी हंसी की आवाज तुम्हें सुनाई दे जाती है ना? अचानक लाइबा गंभीर होकर बोली, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो अरमान? अरमान सम्मोहित अवस्था में बोला, जब से तुम्हें देखा है मैं पागल सा हो गया हूँ। मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं अब तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। कल मैं तुम्हें अपने गांव ले जाऊंगी। अगले दिन आते ही लाइबा ने अरमान का हाथ पकड़ लिया। चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें अपने दोस्तों से और अपनी माँ से मिलवाऊंगी। अरमान सम्मोहित अवस्था में उसके साथ चल दिया। कुछ देर बाद अरमान एक गांव में खड़ा था। लाइबा ने अपने कदमों का रुख वहां बने हुए एक बेहद पुराने बने हुए मकान की ओर कर लिया। अचानक अरमान के कदम दरवाजे की ओर जाकर ठिठक गए। क्या हुआ? पता नहीं क्यों लाइबा, मुझे इस घर के अंदर जाने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये मेरी दोस्त महक का घर है, असल में उसकी चाची पेट से है। कुछ देर बाद अरमान उस घर के एक कमरे के अंदर बैठा हुआ था। उस कमरे में बहुत पुराने जमाने के सोफे रखे हुए थे। वहां एक अजीब सा वीरानापन था। वहां का सन्नाटा अरमान के शरीर के रोंगटे खड़े कर दे रहा था। उस कमरे की दीवारें अरमान को ऐसी महसूस हो रही थी जैसे दीवार में से सैकड़ों चेहरे उसे घूरे जा रहे हो। कुछ ही देर में एक लड़की लाइबा के सामने आकर बैठ गई। शायद वो लाइबा की दोस्त महक थी। महक अरमान की ओर देखकर मुस्कुराती हुई बोली,
तो यही है जिससे तुम्हें प्यार हो गया है और इसने तुमसे शादी का वादा किया है? हाँ यही है, इसका नाम अरमान है। तभी किसी औरत के दर्द से चीखने की आवाज उसके कानों में टकराई। ये किसकी आवाज है? मेरी चाची पेट से है। अरे अगर उन्हें ज्यादा तकलीफ है तो तुम लोगों ने किसी हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं करते? अचानक महक गंभीर हो गई। हमारे यहाँ बच्चों की पैदाइश घर पर ही होती है। तभी अरमान के कानों में एक बच्चे के खिलखिलाने की आवाज टकराई। लगता है मेरा भतीजा आ गया है। अरमान मुबारकबाद देने के लिए खड़ा हुआ ही था कि तभी कमरे में एक 5 साल का एक अजीब सा दिखने वाला बच्चा दौड़ता हुआ कमरे में आ गया और वो बहुत तेजी से कमरे के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अरमान के लिए ये देखना भी मुश्किल हो गया कि वह बच्चा कब उसके पास खड़ा होता और कब दरवाजे की ओर भाग जाता। कुछ ही देर में करीब 10-10 फीट की लंबी औरतें उस कमरे में आ गईं और उस बच्चे को पकड़ कर ले गईं। अरमान की आंखें दहशत और डर से फटी की फटी रह गई। अरमान कपकपाती हुई आवाज में लाइबा की ओर देखकर बोला, ये किसका बच्चा था? अभी चाची का बेटा हुआ है ना, ये वही था। लाइबा की बात सुनकर अरमान के चेहरे पर पसीने की धाराएं बहने लगी। उसे अब वहां पर घबराहट महसूस होने लगी। वह तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गया। तभी उसकी नजर खोले हुए एक दूसरे कमरे की ओर पड़ी। उस कमरे के अंदर एक बेड पर एक बहुत लंबी औरत लेटी हुई थी और उसके बगल में वही दो लंबे कद की औरतें उसी अजीब से बच्चे को पकड़ी हुई थी। सामने बहुत बड़ा आतिशदान जल रहा था। अचानक उन दो औरतों ने उस बच्चे को उस जलते हुए आतिशदान के अंदर फेंक दिया। मगर अगले ही पल वो बच्चा आतिशदान से बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल कर हंसने लगा। ये देखकर अरमान दौड़ता हुआ उस घर से बाहर निकलकर लंबी लंबी और गहरी सांसें लेने लगा। तभी लाइबा उस घर से हंसती हुई बाहर निकल कर आई और अरमान से बोली, क्या हुआ, तुम अचानक बाहर क्यों आ गए? अरमान कांपती हुई आवाज में बोला, ये सब क्या हो रहा है लाइबा, कौन है ये सब? अचानक लाइबा की हंसी रुक गई। वो अजीब से अंदाज में अरमान को देखती हुई बोली, चलो मुझे तुम्हें अपनी माँ से भी मिलवाना है। अरमान डरता हुआ चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद लाइबा अरमान को एक आलिशान महल के अंदर ले गई। एक अधेड़ उम्र के लंबे कद की महिला धीरे धीरे कदमों से चलती हुई अरमान के नजदीक आकर खड़ी हो गई और लाइबा से बोली, तो तुम्हें यही इंसान पसंद है, क्या तुमने इसकी उम्र पूछी है? उस महिला की बात सुनकर अरमान बुरी तरह से चौंक गया। माँ, मैं इसी इंसान से प्यार करती हूँ। क्या ये भी तुमसे प्यार करता है? हाँ, ये भी मुझसे प्यार करता है। वो महिला अरमान को घूरने लगी। बड़ी हिम्मत करके अरमान उसके चेहरे की ओर घूरने लगा। अरमान की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उस महिला की पलकें झपक ही नहीं रही थी। तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 25 साल का हूँ। ये सुनकर वो महिला अचानक तेज आवाज में हंसती हुई बोली, लाइबा पूरे 600 साल की है। ये सुनकर अरमान चौंक गया। ये क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल सही कह रही हैं माँ, मेरी उम्र 600 साल की है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? तभी वो महिला लाइबा से गुस्से में बोली, फर्क पड़ता है, कुछ सालों बाद ये इंसान बूढ़ा हो जाएगा और तुम जवान रहोगी, तब क्या करोगी? अरमान की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो लड़खड़ाती हुई जुबान में बोला, कौन हो तुम सब, कौन हो? हम इंसान नहीं है, हम जिन्नातों में से एक है और मैं एक जिन हूं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता।
अचानक लाइबा की आंखों में लाल लाल अंगारे दहकने लगे। तुम हमारी दुनिया में हो और अपनी मर्जी से यहाँ आए हो, तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। अरमान ने भागने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक वो महल एक अंधेरे खंडहर में तब्दील हो गए। अरमान को अब लाइबा और उसकी माँ की चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर अरमान के शरीर का रोम रोम डर से कांप उठा और उसके हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। लाइबा और उसकी माँ दोनों के चेहरे बेहद भयानक थे। अरमान अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर पागलों की तरह उस खंडहर से भागने लगा। लाइबा की गुस्से भरी आवाज भागते हुए अरमान के कानों में टकराई। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मगर अरमान ने भागना जारी रखा। अचानक अरमान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेहोश हो गया। उसकी आंख उसके घर पर खुली। कुछ लोग उसे घेरे हुए बैठे थे। होश में आते ही उसकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी। मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। अरमान कांपते हुए शुरू से लेकर अंत तक की सारी घटना उस बुजुर्ग को बताने लगा। तुम उस जगह से जिंदा बचकर आए हो जहां से बचना नामुमकिन है। शायद तुम दिल के सच्चे और बेहद भोले इंसान हो, इसी वजह से वो जिन्ना तुम पर हावी नहीं हो पाए। तुम्हें जिस लड़की से प्यार हुआ था वो इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न थी, और उसका परिवार उसी बरगद के पेड़ पर हजारों सालों से रहते हैं जिसके नीचे तुम घंटों बैठते थे। तुम पूरे एक महीने बाद होश में आए हो। बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें उस जिन्नी के चुंगल से छुड़ाया है। याद रखना, गलती से भी अपने कदम अब उस बरगद की ओर मत कर लेना, शायद तुम्हारी वापसी फिर मुमकिन ना हो। इतना कहकर वो चले गए। अरमान कई हफ्ते बीमार रहा और कुछ महीनों के बाद वो अपना गांव छोड़कर शहर में शिफ्ट हो गया। फिर वो कभी अपने गांव वापस लौट कर नहीं गया।